जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखाएंगे सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि इंदौर रोड उज्जैन में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज एवं पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री महावीर तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में 21 से 25 अप्रैल 2022 तक आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद् जिनेन्द्र शांतिनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक एवं नंदीश्वर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं जैनेश्वरी दीक्षा समारोह की महापावन झलकियां। आज की कड़ी में आप देखेंगे इस पंच कल्याणक के जन्म कल्याणक के विशेष अंश। सभी भक्त कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम श्री जी का पूजन विधान एवं हवन आदि किया। ओम प्रेम आदित्य सोम मंगल दुष्वराकृत नवग्रह देवागच्छाग सर्वज्ञनाशनाय गम समर्पयामि राज्य शांति भवतु भगवत शांति भवतु लोक शांति भवतु यजमान पूजक सपरिवार शांति भवतु शांति भवतु। इसके उपरांत जन्म कल्याणक का पूजन आरंभ हुआ। पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर जन्म कल्याणक के दृश्यों का चित्रण शुरू किया गया। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो संसारा करता ही भवसे किनारा। पूजन के दौरान एक दृश्य में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही पूरी नगरी में खुशियां छा जाती हैं। दोनों हाथ पकड़िए, जय हो। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नगरी में महाराजा विश्वसेन के यहाँ उनकी प्राण वल्लभा महारानी एरावती के पवित्र गर्भ में 16वें तीर्थंकर बालक का जन्म दिया। धनपति कुबेर का प्रणाम। मुझे क्या आज्ञा है? मित्र कुबेर, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 16वें तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। तुम अभियोग्य जाति के नागदत्त देव को विक्रिया से एरावत बनने का आदेश करो। हम भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने मध्य लोक चलेंगे। इस दौरान भक्त प्रभु की भक्ति में खूब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जय हो चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। हे पाम बांधे मातो पेदनिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। हे प्रिय, मेरी सीमाएं यहीं समाप्त होती है, क्योंकि प्रसूति ग्रह में पुरुष प्रवेश नहीं करते, इसलिए तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। तुम्हें तीर्थंकर बालक के पहले दर्शन होंगे और मुझे बाद में। मन में अनेको भाग्य बनाए मन मुस्काए इंद्राणी, मन में अनेको भाव बनाए मन मुस्काए इंद्राणी। नीचे नहीं। व्याकुल होकर देख रहे हैं कब आएगी इंद्राणी,
इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी क्यों है, कब आएगी इंदिरा अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर ना देवी इंद्राणी देखा कि नहीं सौ धर्मेंद्र की हो हाथ जोड़ कर मांग रहे ना ना कर दी इंद्राणी एक बार दे दो जी प्रभु जी मारे हाथ मां एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ मां लीजिए नाथ इस पावन प्रभु को पावन हमको तुमको होना है गोद दिए नहीं जाते सचमुच ये लाल खिलौना है तुम देखो भव कमल भुला अग्र भ्रमर तुरत तह से भला ये पंच कल्याणक पावन स्वागत है सबका महोत्सव जो अपने जन्म दिन को जन्म जयंती बनाते हैं क्या जो अपने जन्म दिन को जन्म जयंती बनाते हैं एक दिन इंद्र आदि उनका ही जन्म कल्याणक मनाते हैं। आपका जन्मदिन होता है क्या होता है बोलो क्या होता है आपका आपके बेटे का है आपकी बेटी का जन्मदिन है लेकिन जो सन्यास को दीक्षा को धारण करके अपने हाथ में पिच्छी कमंडल को स्वीकार कर लेते हैं वे जन्म को जीतने की तैयारी करने वाले साधु उनकी जन्म जयंती मनाते हैं क्या मनाते हैं बोलो और जिनकी जन्म जयंती मनाई गई है मनाई जा रही है उनके ही आने वाले भवों में जन्म कल्याणक तो इसलिए जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन इस जन्म को जन्म जयंती में परिवर्तित करना इस जीवन में जो हो सकता है वो तो करना चाहिए। इस दौरान नव जिन बिंबों की प्रतिष्ठा की मंगलकारी क्रियाओं को किया जाता है। पांडव शिला पर लेके चला पांडव शिला पर लेके चला सौधर्म प्रभु का लेके चला सौधर्म प्रभु का लेकर चला इन सभी दृश्यों के उपरांत एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी घोड़े रथ झांकियां और सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र पांडुक शिला की तीन प्रदक्षिणा करता है। इसके उपरांत जन्माभिषेक का दौर प्रारंभ हुआ जिसमें एक एक कर सभी ने श्री जी का अभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करने के बाद
जन्म कल्याणक के अंतरंग की क्रियाएं संपन्न की गई। संध्या काल में कार्यक्रम स्थल पर राज दरबार लगाया गया। अब वक्त था प्रभु को पालना झुलाने का, नन्हे तीर्थंकर बालक को दुलारने का, उनकी सेवा कर पुण्यार्जन करने का। इसके लिए तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने की सुंदर तैयारियां की गई। जैसे ही प्रभु को पालना झुलाने का मंगल अवसर नजदीक आया, भक्त मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। और फिर बाल क्रीड़ा के दृश्यों का मंचन हुआ। झूमे झूमे होने हो चले रे चले, ये छोटे से कोई बालक है, अरे कोई ये बड़े है बड़े। तत्पश्चात भगवान के जीवन चरित्र में आगे बढ़ते हुए भगवान की युवावस्था की घटनाओं का चित्रण किया गया। हे देव, आप जगत की सृष्टि करने वाले स्वयंभू हैं, अर्थात अपने आप में ही उत्पन्न हुए हैं। भव्यात्माओं, जन्म कल्याणक और जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की संपूर्ण घटनाओं का यहां पर प्रकटीकरण। क्या जितने अच्छी तरह से पंडित जी एक एक बात को यहां पर समझा रहे हैं, जैसे मधुत्रय यह शब्द ही ले ले कि तीन प्रकार का, हम तो मधु मतलब शहद समझते हैं, पर मधु का मतलब मीठा होता है और मीठे में तीन ही रस है, दूध घी और शक्कर। इन तीनों का जो मेल है वह मधुत्रय, और इस मधुत्रय की स्थापना भगवान के अंगूठे पर। देखो पंच कल्याणक होना, पंच कल्याणक का कार्य कर होना, एक एक क्रिया को फटाफट निपटाना, लेकिन हर क्रिया के पीछे मकसद क्या है। इसके निमित्त भगवान शांतिनाथ के विवाह एवं बारात शोभा यात्रा का सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये
और इसी के साथ इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस अंक को हमें यहीं विराम देना होगा। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे तब कल्याणक की झलकियों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।